लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर शुक्रवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का 43वां मैच खेला जाएगा। सेमीफाइनल की चौथी टीम बनने के लिए पाकिस्तान को अब किसी बड़े चमत्कार की जरूरत है और बांग्लादेश को उसे बहुत ही बड़े अंतर से हराना होगा। अगर पाकिस्तान कुछ बड़ा चमत्कार कर देता है तभी वो सेमीफाइनल की चौथी टीम बन पाएगी। वर्ल्ड कप के 37वें दिन शुक्रवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टूर्नामेंट का 43वां मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि इंग्लैंड से हार के बावजूद न्यूजीलैंड ही वर्ल्ड कप की चौथी टीम होगी। लेकिन पाकिस्तान को सेमीफाइनल की चौथी टीम बनने के लिए अब किसी बड़े चमत्कार की ही जरूरत है और बांग्लादेश को उसे बहुत ही बड़े अंतर से हराना होगा। फॉर्म में चल रही बांग्लादेश को इतने बड़े अंतर से हराना पाकिस्तान के लिए लगभग असंभव सा नजर आता है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे में आइए नजर डालते हैं पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। सबसे पहले पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी सूरत में पहले बल्लेबाजी करनी होगी। ऐसा करते हुए उसे 400 रन का स्कोर खड़ा करना होगा और इसके बाद बांग्लादेश को 84 रन पर आउट करके 316 रन के अंतर से हराना होगा। इसके अलावा पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम 350 रन का स्कोर खड़ा करती है तो उसे बांग्लादेश को 312 रन के अंतर से हराना होगा। वहीं अगर बांग्लादेश की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करती है तो इस फैसले के साथ ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। वनडे में दोनों टीमों के बीच कुल 36 मैच खेले गए हैं जिसमें पाकिस्तान ने 31 और बांग्लादेश ने 5 मैच जीते हैं। वनडे रैंकिंग में अभी पाकिस्तान छठे और बांग्लादेश 7वें नंबर पर है। पिछले 5 मैचों पर नजर डालें तो जहां पाकिस्तान ने अपने पिछले 5 मैचों में से 3 मैच जीते हैं वहीं बांग्लादेश ने अपने पिछले 5 मैचों में से 2 ही मैच जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।